हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स के साथ उपस्थित हूं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस, यदि आप सुने होंगे, जब से वह गया है 5 साल गुजर गए हैं, जब से वह इंडिया से गया है 6 मंथ गुजर चुके हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ 1/2 घंटे गुजर चुके हैं। यदि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद हम कंजंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस, और इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। यानी हम कह सकते हैं सिंस प्लस जो स्टार्ट होगा ये एससी का पार्ट होगा विद कंजंक्शंस। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये फॉरएवर, इट इज मेंशन्ड इन इधर इन सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है दोस्तों, हम यहां तो या तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें इस्तेमाल करना है जब से के लिए सिंस, और सिंस के साथ हमेशा याद रखना है ये हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा, और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे एससी, और एससी जब भी होगा तो हमारा होगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा होगा पास्ट इनडेफिनिट। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा ये हमारे पास दो में हो सकते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और दूसरा हमारा हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही पैटर्न है दोस्तों, इसी पैटर्न पर हमें इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, जब से वह गया है 5 मंथ्स गुजर चुके हैं। तो हम मेंशन करेंगे 5 मंथ्स हैव passed since he went। याद है ना, since के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, भेटो, अर्थात past indefinite tense और simple past tense। क्लियर? चलिए मैं आपको और सेंटेंसेस देता हूं। जब से वह देश को छोड़ा है तब से मैं नहीं मिला हूं, मींस आई हैवंट सीन, देखा हूं या मिला हूं, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट हिज कंट्री या हिज विलेज करता हूं, ज्यादा बेहतर लगेगा कंट्री के बजाय। ठीक है, जब से मैं यहां आया हूं तब से 1/2 घंटे गुजर चुके हैं, क्या हो जाएगा, हाफ एन आवर हैज स्पेंड सिंस आई हैव अराइव्ड हियर। तो हम दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस पैटर्न्स को समझ गए होंगे, और इस पैटर्न को हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं अपने एक विद्यार्थी को, जो हमसे हिंदी में फटाफट सेंटेंसेस पूछेंगे और मैं उन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। तो वेलकम है अभिराम। यस कम, आर यू रेडी विद योर सेंटेंस? ओके सो लेट्स बिगिन। ओके स्पीक लाउडली। जब से उसने इस देश को छोड़ा मैं उससे नहीं मिला हूं। I haven't met him since he left his country। जब से वह इस विद्यालय से गया हम लोग उससे नहीं मिले हैं। I haven't met with him since he left this school। जब से मुकुल गया 10 घंटे बीत गए हैं। 10 hours have spent since Mukul went away। जब से पार्क में सांप पकड़ा गया मैं वहां नहीं आया हूँ। I haven't went sorry बोलने I once again repeat the sentence I forget। जब से पार्क में सांप पकड़ा गया मैं वहां नहीं गया हूँ। I haven't gone there since a snake was caught in the park। जब से मेरी अंगुली टूटी मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। I haven't played cricket since I got my finger fractured।
जब से वह अमेरिका गई सीता उससे नहीं मिली है। सीता hasn't met with her since she went to America। जब से राजीव ने नई गाड़ी खरीदी वह साइकिल से दफ्तर नहीं आया है। He hasn't come to office by cycle since he bought a car। जब से मुकुल बंगलोर गया वह बीमार नहीं पड़ा है। He hasn't fallen ill since Mukul went to Bangalore। जब से उसने कॉलेज में पदाभार ग्रहण किया हम लोग उससे नहीं मिले हैं। I haven't met with him since he was appointed in the college। जब से मैं सोया 3 घंटे बीत गए हैं। 3 hours have passed since he slept। जब से वह पटना गया उसने पत्र नहीं लिखा है। He hasn't written a letter since he went to Patna। Okay sir, thank you। Thank you, that's the session।